सोलन के कठैड़ गांव में पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। लोगों को करीब 10 दिनों बाद पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है और गर्मियों के मौसम में पानी न मिलने के कारण क्षेत्रवासियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग नगर परिषद और आईपी विभाग के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन कोई भी विभाग इनकी समस्या हल नहीं कर रहा है। यही कारण है कि लोग अब अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित भी नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पानी की किल्लत से वे काफी समय से जूझ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन है कि उनकी सुध नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से खाना बनाना, कपड़े धोना व अन्य कामों में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, वे कई कई दिनों बाद नहाने पर मजबूर हो चुके हैं और अगर कोई मेहमान या रिश्तेदार उनके यहाँ आने की बात करता है तो उनके पास उन्हें मना करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। उन्होंने बताया कि जब कई दिनों तक पानी नहीं आता है तो वे प्राकृतिक स्रोतों से पानी ढोकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर घर में युवा है तो वे पानी प्राकृतिक स्रोत से लाने में सक्षम है और जिस घर में केवल बुजुर्ग या बीमार है तो वे पानी भी ला पाने में असमर्थ है। इसलिए पानी की समस्या का हल जल्द निकाला जाना चाहिए। वो हमारे को पानी की बड़ी दिक्कत है जी, 5-7 दिन के बाद आता है पानी। गुजारा ऐसे करते जी, बावड़ियों से, कभी बावड़ियों से ले आते पार से, कभी पार शिवजी के मंदिर के पास एक छोटा जैसा कुंड उसमें से भर लेते। वो भी अब बुढ़ापे में भरा नहीं जाता, घर में बीमार पड़े हुए 8 साल से बिस्तरे में, तो पानी उनके लिए तो बहुत लगता है जी। पानी की ऐसी दिक्कत हो रही है जी, यहाँ पे पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत है, हमें पार बॉडी से ढो के लाना पड़ता है पानी। और जब भी कभी कोई मेहमान आना होता है तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है उन्हें बुलाए या ना बुलाए। यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, पानी के 10-12 दिन बाद आता है। अब हम तो यही चाहते हैं कि डेली या 4-5 दिन या 2 दिन बाद आ जाए पानी, वही हमारे लिए बहुत है। पानी हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आता है, पानी का गुजारा नहीं हो पा रहा है। पानी यहाँ कम से कम 2 हफ्ते तो लग ही जाते हैं, और अगर कोई गेस्ट आता है तो उनको भी मना करनी पड़ती है कि भाई नहीं आ जाए, क्योंकि पानी बहुत मुश्किल से होता है खुद का गुजारा। घर में, बाथरूम में, किचन में कपड़े धोना बहुत मुश्किल आ रही है, बट यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है, पानी की दिक्कत आ रही है। पानी यहाँ पर कभी 10 दिन बाद आता है, कभी हम बोलते भी हैं आईपीएच वालों को कि हमें पानी दिया जाए, लेकिन वो लोग भी हमें टाल देते हैं कि हाँ 3-4 दिन बाद आएगा या हमारे पास पानी नहीं है, हम कहाँ से पानी दें। तो हम लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे जो टैंक बने हैं वो बने हैं सिर्फ जो पहले आबादी थी उस हिसाब से। हमारी प्रशासन से ये मांग थी कि ये टैंक बढ़ाए जाएं ताकि पानी ज़्यादा इकट्ठा हो और लोगों को प्रॉपरली पानी मिल सके। अब हर रोज की पानी की समस्या है और हर रोज़ हम प्रशासन उनके पास जाते रहें, ऑफिस आईपीएच में जाते रहें, तो उससे हल नहीं होगा। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे आबादी को देखकर टैंक बनाए जाएं और प्रॉपर जो पानी का है वो रेगुलर किया जाए।